दोस्तों नमस्कार। तो ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये LG का 235 लीटर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, और इस तरीके के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके अंदर फिलामेंट वाला बल्ब लगा होता है जो कई बार बिजली के फ्लक्चुएशन या किसी अन्य कारणों की वजह से बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा खोलने पे ये बल्ब ऑन होना चाहिए था लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसे हम निकालने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लगे इस कांच के कवर को निकालेंगे और इस बल्ब को आराम से पकड़कर नीचे से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसा गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि इसमें जो बल्ब लगता है वो E14 बल्ब लगता है और उसमें थ्रेड होते हैं यानी कि चूड़ियां होती हैं जिससे हम घुमा घुमा कर बल्ब को निकाल या खोल सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से ऐसा गोल गोल घुमाकर बल्ब को निकाल लें यदि आपका बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो लोकल मार्केट में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको ऐसे बल्ब मिल जाएंगे जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये लोकल मेड बल्ब है, कोई ब्रांडेड बल्ब नहीं है। 30 से 40 रुपए में आपको आसानी से फिलामेंट वाले बल्ब भी मिल जाते हैं और LED बल्ब भी मिल जाते हैं। तो ये है वो 30 रुपए का फिलामेंट वाला बल्ब जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था और रिप्लेस किया था, जो कि जल्दी ही फ्यूज़ हो गया। तो इसलिए 80 रुपीज़ में मैंने यह LED बल्ब खरीदा है अपने फ्रिज के लिए। वैसे तो जो फ्रिज में बल्ब लगता है वो 10 वाट का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 वाट रेटिंग है, लेकिन यह जो बल्ब मैंने लिया है ये 30 वाट्स का है। इसमें रोशनी आपको ज़्यादा होगी और थोड़ा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, लेकिन कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए आप सीधा ऐसे वर्टिकली दो उंगलियों का प्रयोग करके उसके होल्डर में ले जाकर गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, तो वो आराम से उसकी थ्रेड में उसकी चूड़ियों में ये कस जाएगा। और लगने के बाद इसके ऊपर लगने वाले ढक्कन को आप ज़रूर से लगा दें। अब बल्ब तो लग गया, अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ नीचे इसके सेंसर को दबाकर, जो ये डोर बटन होता है ये देखिए मेरी उंगली के पास, तो इसे दबाकर हम चेक कर लेंगे कि बल्ब काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए दबाकर मैंने चेक कर लिया, बल्ब जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इसके कवर को हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी फ्रिज का लाइट चेंज कर सकते हैं, और अगली बार जब आपके फ्रिज का लाइट फ्यूज़ हो जाए तो आप बाजार से LED बल्ब खरीदें, E14 बल्ब खरीदें, और या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।